The gravitational potential in a region is given by V equals to 20 Newton per kg into x plus y. Show that the equation is dimensionally correct. आइए देखते हैं. V is 20 Newton per kg into x plus y. ये x और y जो है वो मीटर में है, obviously distances है. आइए dimensionally पर right hand side देखते हैं. RHS. Newton is a force, so MLT minus 2, kg is mass into L. Cancel, so we have L 2, T minus 2. ये हमारे पास potential की, gravitational potential की dimension formula आ गया. वैसे formula क्या होता है? Normally हम जानते हैं Gm by R होता है. हम सिर्फ minus sign नहीं लिख रहे हैं directly, सिर्फ वो बता रहे हैं आपको फॉर्मूला. तो जी का होता है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू. मतलब हम एल एच एस चेक कर रहे हैं. मास का एम होता है और डिस्टेंस एल है. ये कैंसिल कितना बचा? एल स्क्वायर टी माइनस टू. सो द एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस चेक्ड. पहला पार्ट तो हमने कर लिया है. अब Find the gravitational field at the point x, y. Leave your answer in terms of the unit vectors I, j, k. Field एक vector quantity, देखो कैसे करी जाती है. Solve. Gravitational field अगर vector quantity में three dimensional लिखनी होती है, sorry, उसका formula होता है del by del x, ऐसे करके लिखते ध्यान रखना, of v I cap plus del by del y of v j cap plus del by del z of v k cap. ये normal differentiation नहीं है, इसे partial differentiation बोलते हैं. del जो होता है ये partial differentiation operator होता है. differentiation operator कहलाता है. सॉल्व कैसे करते हैं? देखो, सपोज मेरे पास कोई इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स प्लस जेड. मतलब मान लो कोई ऐसे इक्वेशन दे रखी है आर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ. और मेरे को बोला गया है डेल आर बाय डेल एक्स निकाल दो. इसका मतलब ये होगा कि वाई और जेड को कॉन्स्टेंट मान लेगा ये और सिर्फ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेगा. तो आंसर क्या आएगा देख लो. डेल बाय डेल एक्स ऑफ, भले ही वाई और जेड वेरिएबल्स हैं पर डेल ऑपरेटर क्या करता है? डेल ऑपरेटर करता क्या है? भले ही वाई और जेड कॉन्स्टेंट्स नहीं है, वेरिएबल है, पर उनको कॉन्स्टेंट मान लेगा. और कॉन्स्टेंट मानेगा तो आंसर क्या दे देगा? वन, क्योंकि वाई और जेड तो कॉन्स्टेंट है. कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है. बस इसका ध्यान रखना है हमको. तो लेट हम इस इक्वेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दें. कॉम्पिटिशन पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. और ऑब्वियसली इलेवेंथ में कोई बोर्ड एग्जाम तो होता नहीं है कि हम केवल निचले स्तर की पढ़ाई करते रहे, है ना. इलेवेंथ में तो कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होता. होता तो हम दो हिस्सों में बांट लेते पढ़ाई को. जैसे बारहवीं में बांटा जाता है, भाई तुम्हें बोर्ड एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो. लेकिन ग्यारहवीं क्लास में कोई बोर्ड एग्जाम नहीं, कोई नेशनल लेवल एग्जाम नहीं है. तो हमें ध्यान रख के जेईई नीट को ध्यान में रख के पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है. एनीवेज आगे पढ़ते हैं और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं. तो जी हमसे निकालने को बोला गया डेल बाय डेल एक्स ऑफ वी आई कैप डेल बाय डेल एक्स ऑफ वी जे कैप डेल बाय डेल सॉरी वाई होगा फिर जेड आएगा वी के कैप. सो लेट्स राइट. वी की वैल्यू हर जगह सेम रहेगी. डेल बाय डेल एक्स 20 एक्स प्लस वाई आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई 20 एक्स प्लस वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड 20 एक्स प्लस वाई के कैप. तो वाई कॉन्स्टेंट मान लेगा, वन हो जाएगा एक्स का. सो विल गेट 20 आई. और सॉरी मैं माइनस साइन लगाना भूल गया दोनों बार, क्योंकि जी जो होता है आपको मैंने ये कराया भी है, माइनस का डी वी बाई डी आर होता है ना. तो माइनस साइन ये उसका थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला है कि अगर थ्री डायमेंशंस में लिखना होगा तो ऐसे लिखा जाता है. यहाँ भी प्लीज माइनस साइन जरूर लगा ले.
मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दिया था, माइनस साइन जरूर लगाएं। ओके माइनस, सो माइनस 20i, वाई को इसने कांस्टेंट मान लिया, जीरो कर दिया, एक्स का हो जाएगा वन। फिर यहां पे इसने एक्स को कांस्टेंट मान लिया, वाई का वन कर दिया, हो गया 20j। और फिर इसने जेड है, दोनों ही कांस्टेंट हो गए, तो अल्टीमेटली जीरो हो गया। सो द आंसर इज माइनस का 20i + j, दैट इज द आंसर टू दिस पार्ट। नाउ कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एफ ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम्स प्लेस्ड एट ओरिजिन। नाउ फोर्स क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। तो सॉल्व कर लेते हैं, 0.5 kg का है एंड वील हैव इंटू जी माइनस 20i + j ऐसे। सो इट विल बी 20 × 0.5 विल बी माइनस का 10i + j, दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रखा है, क्योंकि मल्टीप्लाई से एम इंटू जी करना था, जी ऑलरेडी हमारा आ चुका है। खैर उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, मैग्नीट्यूड में वही माइनस साइन की कोई औकात नहीं होती, सीधे 10 और i + j का मैग्नीट्यूड होता है √2, सबको आना चाहिए। तो ये आंसर टू द क्वेश्चन हो गया।